हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ साड़ी पहनकर। एक्चुअली मैं जा रही हूँ बेबी के नामकरण में, तो आप लोगों को भी अपने साथ लेकर चलती हूँ। और जल्दी जल्दी मैंने अपने आप को रेडी किया है, क्योंकि अभी भैया का कॉल आया था कि नामकरण बस होने ही जा रहा है। बेबी जो था मूल में हुआ था, तो मूल शांति की पूजा जो है हो चुकी है। तो जल्दी से मैंने खुद को एक रेडी किया है, इस तरीके की ये ब्रासो वाली साड़ी जो बोलते हैं वो है। तो मैं यहाँ पर तैयार हूँ, तो चलिए आप लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं बेबी के नामकरण में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सबके साथ ये मॉर्निंग की क्लिप शेयर कर रही हूँ, जब बेबी का तुला दान हो रहा था। तो बेबी के पेट के बराबर यहाँ पर अन्न दान किया जा रहा है। और जो बेबी मूल में होते हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। मूल शांति में मतलब पूजा पाठ बहुत कुछ होता है, और दान भी मतलब काफ़ी कुछ होता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी क्लिप है, और यहाँ पर जब बेबी का तुला दान हो रहा था, तो स्मॉल बेबी को जो तराजू होता है उसकी एक साइड में लेटा के, और एक साइड में गेहूं वगैरह है वो एक बोरी में भर के वो वेट किया जा रहा था। तो यहाँ पर हो गया है। और ये बेबी की परदादी है यहाँ पर, और ये येलो साड़ी वाली दादी हैं, बाबा हैं, और साथ ही यहाँ पर अभी घर में बच्चे हैं। तो अभी मॉर्निंग वाला टाइम है, तो जिस दिन बेबी का नामकरण होता है उस दिन पूरा दिन ही निकल जाता है। और अभी जब मैं रेडी होकर आपके साथ बात कर रही थी, उसके बाद अभी जब मैं आई हूँ यहाँ पर, तो मैंने ये क्लिप निकाली है। और यहाँ पर अभी कन्या पूजन चल रहा है, तो पूजन स्टार्ट हुआ ही था। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है कन्या जितनी भी हैं घर में, तो सभी जो गर्ल्स थी उनका तिलक करके उनको दक्षिणा दी जा रही थी। और ये भैया जो बैठे हैं, मतलब जिनका बेबी है, आज जैसे मैं आई थी तो एकदम से मैंने तो पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि जिनके बेबी मूल में होते हैं वो फिर 27 दिन तक अपनी शेविंग वगैरह नहीं कराते हैं। तो बहुत बड़ी इनकी शेविंग हो रही थी, डेली मैं इनको देखती हूँ। तो अभी अचानक से देखा, और यहाँ पर चल रही है ढोलक। और अभी यहाँ पर बेबी के नामकरण की विधि स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी घर वाले और बाबा और इसके साथ ही जो चाचा हैं, उनके गांव में बहुत बड़ी फैमिली है, तो सभी मेंबर्स आए हुए हैं। लेडीज़ जो है ढोलक वगैरह बजा रही हैं, मतलब वो माहौल चल रहा था कि पंडित जी अपना मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और ढोलक बज रही है। और यहाँ पर बेबी भी चौक पर आ गया है उसकी मम्मी के साथ। तो यहाँ पर पूजन स्टार्ट हो गया है, और बेबी बहुत तेज यहाँ पर रो रहा था, और अभी उसकी दीदी ने उसकी नज़र भी उतार दी है। और यहाँ पर बच्चे भी हैं, मतलब खूब अच्छा वाला एक खुशी वाला माहौल होता है ना घर में, बेबी का आना बहुत सबको इंतज़ार रहता है। और इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो नामकरण होता है वही सब कुछ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये बेबी के दादाजी हैं, और वो यहाँ पर बेबी के कान में जो है कुछ बोलने वाले हैं। और यहाँ पर बेबी के लिए यहाँ पर पंडित जी जो भी बता रहे थे सब कुछ होता जा रहा था। थोड़ी देर पहले बेबी बहुत रो रहा था, भूखा हो गया था, तो उसको दूध भी बीच में पिलवा दिया गया है। और इसके साथ ही और ये वीडियो क्लिप जो था काव्या ने निकाला था खड़े होकर, और उसने इतना कैमरा घुमाया था, मतलब मुझे लग रहा था कैमरा ये सिर्फ घुमा रही है, ये भी पूरा गोल गोल घूम रही थी। और कुछ क्लिप्स थी जो मैंने बैठकर निकाली हुई थी। तो बेबी के ताऊजी हैं जो सामने गेट पर खड़े हुए हैं,
और ताई जी भी हैं, बड़े भाई बहन, और ये सबसे बड़ी दीदी है, और इसके साथ ही छोटा बेबी है, और बेबी की भी एक बड़ी सिस्टर है, ये वाइट फ्रॉक में जो बैठी हुई है यहाँ पर तखत पर। और ये आंटी सब लोग काम करने वाले लोग हैं, और यहाँ पर अभी सब मतलब खूब अच्छा से सब लोग ढोलक बजना गाना और सब मतलब मंत्रोच्चारण के साथ बेबी का नामकरण, और यहाँ पर विधिवत मतलब ये सब कुछ होने में। और ये बेबी के बड़े भाई हैं, इनसे भी मिल लीजिए। और यहाँ पर ताई जी गई हुई हैं उठकर कुछ करने के लिए। तो बहुत सारे रस्म और रिवाज होते हैं, और हमारे यहाँ पर मतलब इस तरीके से ही बेबी का नामकरण होता है। और मुझे नहीं पता था काव्या यहाँ पर क्या किए जा रही थी, कैसे ये क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट ये था कि जो भी मेरे पास क्लिप थी तो सभी क्लिप को जोड़ कर ही मैं आपके साथ यहाँ पर वीडियो शेयर करूँगी। क्योंकि ऐसी जगह पर ना थोड़ा सा जैसे ढोलक बज रही है, बिल्कुल बहुत शोर हो रहा था, तो आवाज़ दे पाना तो मुश्किल ही है। तो यहाँ पर ऑडियो कर रही हूँ आप सबके साथ, और बेबी यहाँ पर हंगामा काटना, और ये बेबी की परदादी है जो सामने से ये आ रही है, तो ये न्यौछावर करने के लिए गई थी, तो अभी मैंने भी की थी और सब लोगों ने भी कर दी है, तो बेबी का नामकरण यहाँ पर हो चुका है। तो अभी और भी पूजा पाठ जारी है, और सभी लोग इधर से उधर कुछ ना कुछ काम काज घर में चल रहा है। और ये यहाँ पर बेबी के मामा मामी सभी लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पर मतलब बेबी के मामा मामी लाए हैं पूरी फैमिली के लिए कपड़े सब कुछ। तो वो यहाँ पर चौक पर विधिवत मतलब टीका वगैरह करके मंत्रोच्चारण करके फिर सबको दे रहे हैं। तो ये इस एक तरीके की रस्म है, और ये मैंने यहाँ पर ही देखी है, मतलब हम लोग बिल्कुल पास में ही रहते हैं, लेकिन जैसे मेरे घर में थोड़ा अलग पूजा पाठ होती है, और जैसे हर जगह की अलग अलग होती है, तो चाची के यहाँ जैसे होती है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। वैसे तो बेबी के नामकरण जब होता है तो ननिहाल से हर जगह से ही बहुत कुछ आता है बेबी के लिए, सबके लिए, क्योंकि एक खुशी वाली बात होती है, और ये दिन जो होता है बहुत खुशियों भरा होता है। हर किसी को इंतज़ार होता है अपने बच्चों के बच्चे होने का, और सबके ही चेहरे पर वो खुशी होती है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर बस मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी जब सब कुछ हो गया है, पूजा वगैरह हो चुकी है, तो इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है कन्या के लिए भोजन। तो जैसे बेबी जब अच्छा मूल बोला शांति भाई। में मूल में होता है, तो मूल शांति की पूजा के बाद 27 कन्याओं को बिठाकर भोजन कराया जाता है। तो यहाँ पर सभी कन्याएं आ चुकी हैं, साथ ही बेबी के पापा की बुआ भी यहाँ पर बैठी हुई है, और होता है मान लोगों को भी साथ में बिठा देते हैं। तो यहाँ पर भोजन स्टार्ट हो चुका है, तो जितनी भी कन्याएं हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं बहुत है, मतलब 27 पूरी हो गई होंगी। और जैसे हम कन्या पूजन करते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पर पहले बच्चे खाना खाएंगे, सबसे पहले कन्याओं को ही भोजन कराना है। और ऐसा होता है बेटा हो या बेटी हो मतलब कोई भी हो, तो 27 बच्चों को कन्या पूजन जरूर कराया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर काव्या कर रही है, हमारी खाना खा रही है यहाँ पर सबके साथ बैठ कर हेलो भोजन कर रही है, और काव्या हमारे आस पड़ोस के सभी बच्चे हैं। और ये जो क्लिप थी ये मुझे भैया ने भेजी हुई थी जो मैं आपके तो साथ फ्रेंड्स शेयर कर अभी रही थी। शाम के 5 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, थोड़ा सा यूट्यूब पर ही बहुत सारे वीडियोस देख रही थी, और मैं आ गई थी 4:30 बजे वापस, जब बेबी का नामकरण हो गया था और बहुत टाइम लग गया था। मैं 2:30 बज रहा होगा तब मेरे पास भैया का कॉल आया था कि प्रोग्राम शुरू हो गया है, तो मैं फटाफट से रेडी होकर मैंने बिना टाइम वेस्ट किए एक साड़ी पहनी और हल्का सा मेकअप किया और जल्दी से रेडी होकर चली गई थी। तो वहाँ पर सारा जो था अच्छे से हो गया, और कुछ जैसे चेंज थे जो कि मतलब मेरे यहाँ से अलग वहाँ पर हो रहा था, जो जैसे नहीं जैसे बच्चे के मामा लोग आए हुए थे उन्होंने सबको कपड़े वगैरह तुरंत जो फैमिली के मेंबर्स थे उनको वहीं पर मतलब चौक पर बोलते हैं खड़े होकर सबको दिए थे। तो टीका करके मतलब पूरा रिचुअल्स था, टीका पहले उन्होंने सबका किया, फिर मतलब मामा लोगों का भी किया गया मिठाई खिला के, फिर कपड़े वगैरह देना ये सब कुछ करना। तो ये सारा प्रोग्राम हो गया बहुत अच्छे से, मैंने सोचा था चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और इसके बाद घर वापस आके 4:30 बजे आई तो मम्मी को चाय पिलाई, बच्चों को दूध वगैरह दिया, दूध बिस्किट इन लोगों ने खाया पिया, और मैंने मेरी साड़ी चेंज कर ली है क्योंकि शाम को जब जाऊंगी ना तब फिर से
साड़ी पहन लूँगी, देखती हूँ कोई दूसरी पहन के जाऊँगी। और फिर ये ना शाम को भी फिर से जाना है खाना खाने के लिए। तो भैया अभी आए थे, काव्या जो का खाना खा के आ गई है और बच्चों ने खाना खा लिया है क्योंकि बच्चों को पहले खिलाया गया था वहाँ पर। तो बच्चों को बुलाने आए थे तो काव्या पहले से खा के आ गई और ये और मैं जाएंगे बाद में देर में। और मम्मी तो नहीं जाती है, मम्मी खाती भी नहीं है पूड़ी वगैरह कुछ भी। तो शाम को आपके साथ शेयर करती हूँ, देखते हैं क्या रहता है आगे। तो वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शाम के 7 बजने वाले हैं और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ एक साड़ी पहनकर। फिर से मैंने साड़ी चेंज कर ली है और अब जाऊँगी मैं इनके साथ खाना खाने के लिए। बेबी का जो नामकरण था बस वहीं पर। तो चलिए, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी क्लिप निकलवाई थी जो कि वो क्लिप ख़राब हो चुकी है। तो एक और छोटी सी क्लिप थी जो आपके साथ शेयर की है मैंने, और एक ये मेरे पास क्लिप है जो कि भैया ने मेरे पास भेजी थी। और ये है मतलब बेबी की परदादी, मतलब दादी और परदादी होती है ना, मतलब ये बेबी के पापा की दादी हैं जो बेबी को अपनी गोदी में लेकर उसको दूध पिला रही है। और इधर ये दादी लेटी हुई है पीछे, और ये उसी दिन रात के टाइम की क्लिप है। और ये यहाँ पर मतलब वो ना मतलब बोलते हैं कि जैसे दादी बाबा सब लोग बहुत खुश होते हैं जब घर में कोई भी नाती पोता आता है, लेकिन जो परदादी बाबा होते हैं ना उन्हें अपनी जनरेशन को देख के बहुत खुशी होती है। और जैसे दादी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज हैं लेकिन उन्हें मतलब बहुत एक्टिव हैं अभी भी इस एज में। और मैंने आपको दिखाया था निछावर करने गई थी, खूब गाने गा रही थी, मजीरा बजा रही थी और यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये क्लिप बहुत अच्छी थी, व्हाट्सएप पर मेरे पास आई थी तो ये बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो ये यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं दो घर में और ये एंजॉय कर रहे हैं, अपना खेल रहे हैं। और यहाँ पर दादी बेबी को अपने हाथ से दूध पिला रही है, और होता भी है इतना मतलब देख लेना जिसको मिलता है खुश नसीबी होते हैं वो लोग। और इसके बाद यहाँ पर एक ये क्लिप है बेबी की, बेबी से मिल लीजिए, ये सेम डे नाइट की क्लिप है जो इन्होंने आफ्टरनून में कपड़े पहने थे। तो भैया बता रहे थे इनको बहुत गर्मी लग रही थी और इन्होंने हंगामा काट दिया था रोने का। ये रो तो उसी टाइम पे मतलब थोड़ी देर के लिए रोए थे फिर सो गए थे बहुत रोने के बाद दूध वगैरह पी के, लेकिन भैया बोल रहे थे कि दादी ने बोला कि कपड़े हटाओ इनके ये और इनको कुछ और पहनाओ। तो फिर जो मैं सूट ले गई थी, मैंने भैया को दिखाया था कि ये वाला सूट इनका जैसे बिल्कुल सही है जो इनके अभी आ जाएगा, और जैसे कपड़े थोड़े से बड़े हैं जो थोड़े दिन बाद आ जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने छोटे ही कपड़े लिए हैं बहुत बड़े नहीं लिए हैं कि साल भर बाद पहने। तो ये वही नया सूट पहन के लेटे हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर की तरफ बड़े खुशी खुशी, और ऐसे लग रहा है सारी बातें सुन रहे हैं। सब बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, जैसे कि हमारा बेबी है और भगवान का रूप होते हैं, ऐसा कहते हैं ना, स्मॉल बेबी बहुत ही प्यारे होते हैं। और जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ तो मुझे लगता है कि बेबी 1 महीने का हो गया होगा क्योंकि 27 दिन के बाद मूल शांति हुई थी। और वीडियो मैं आपके साथ लगभग 3-4 दिन बाद ही शेयर कर रही हूँ, और कुछ तबीयत ढीली थी इसलिए आपके साथ रेगुलर वीडियोस शेयर करने में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ मैं कि आपके साथ रेगुलर वीडियो शेयर करती रहूँ। तो ये जैसे अभी कुछ समझता तो नहीं है, बस ये है जिधर नज़र ठहर जाए उधर ही देख लेते हैं, और बहुत प्यारे हैं। मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, जब इतने छोटे बच्चे देखो तो अपने बच्चों का बचपन जरूर याद आता है। काव्या कार्तिक भी बहुत स्मॉल बेबी थे इसी तरीके से, और बहुत प्यारे थे। और बस कुछ दिन की बात है, थोड़े दिन में ये और बड़े हो जाएंगे फिर ये आपको वीडियोस में ज़रूर नज़र आएंगे। तो अभी तो ये जो है मेरे घर पर घूमने नहीं आए हैं, ये किसी दिन आएंगे तब फिर मैं आपके साथ दिखाऊंगी इनको। और अभी ये जैसे आवाज़ इनके कानों में सबकी पड़ती रहती है, तो बस ये जिधर भी ये देख लेना फिर देखते रहेंगे। तो ये यहाँ पर इनका वीडियो बनाकर इनके पापा ने ही मुझे दिया है और मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। वो बहुत ही प्यारा बेबी है ये हमारा, और यहाँ पर ये देखिए मस्ती कर रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि ये बात करने लगे हैं, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी बात वगैरह कुछ नहीं करते हैं।
बस एंजॉय कीजिएगा आप सब लोग इस वीडियो को। और कैसा लगा आपको हमारे बेबी का नामकरण, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और किस किस के यहाँ इस तरीके से नामकरण होता है ये भी शेयर करना। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है, मेरे वीडियोस को लाइक करना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। खा पी कर आ चुके हैं हम लोग घर पर, और वहाँ पर ये क्लिप छोटी सी थी जो मैंने उनसे भैया से ही निकलवा ली थी कि जरा सा हमारा वीडियो ले दो। और मुझे लग रहा है क्लिप गड़बड़ हो गई, जब एडिटिंग करूँगी तभी पता चलेगा। और खाना बहुत बहुत अच्छा था और सबका हो गया, मम्मी के लिए घर पर ही आ गया है। तो चलिए अब मिलूंगी मैं आपसे कल। आज का ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया है, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि बहुत छोटा है, तो इसे कल तक कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।